शनिवार को मथुरा जनपद के प्रभारी मंत्री सतीश महाना अपने एक दिवसीय दौरे पर आए। इस दौरान मथुरा जनपद के लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में उन्होंने जनपद के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका माला एवं पटका पहनाकर स्वागत किया। वहीं उन्होंने मथुरा के जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के साथ जनपद के लॉ एंड ऑर्डर सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की। तो वहीं चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार का घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मथुरा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी 4 दिन पूर्व, तो उसके बारे में आप बताएंगे। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सस्पेंड कर दिया गया उसके ऊपर क्या बताना है? अगर किसी ने गड़बड़ किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है वही है निर्णय, उसके ऊपर बाकी के जिन विभागों में भ्रष्टाचार है उन पर देखिए, जहां जहां की शिकायत मिलती है, जहां जहां संज्ञान में आता है, किसी को भी किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कोई साहस कर सकता है और ये बात संज्ञान में आती है तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो किसी एक अधिकारी के खिलाफ। या और किसी विभाग में अभी बातचीत करते हैं, अभी तो ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आया हूँ बातचीत, छोटा सा यही मैंने आपसे निवेदन किया है। एक छोटा सा मैंने कहा, मैंने को पता ही नहीं लगाया आप कह रहे हो कि नहीं। एक छोटा सवाल और है, कोविड कार्यकाल में माननीय विधायकों के द्वारा, जो मथुरा के विधायक हैं, एमएलसी हैं, इन लोगों के द्वारा करीब 1,39,00,000 रुपया सीएमओ कार्यालय को दिया गया कोविड से लड़ने के लिए, जिसमें भारी अनियमितताएं पाई गई। मेरे को किसी मीडिया द्वारा की नहीं बात नहीं बताई, मीडिया द्वारा ये मामला उठाया गया, सीडीओ ने यहाँ पे इंक्वायरी सेटअप की हुई है, 7 महीने हो गए वो जांच नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी तक दो चीज आपने बताया तो मैं जानकारी करता हूँ। आपसे बात करने का ये एक फायदा हुआ है। जी सर।